वेलकम टू स्टडी 24 दोस्तों, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, ऑनलाइन भी स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आवेदन स्टार्ट हो चुकी है। और ये मैं इस वीडियो में आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, पहले ये देख लेते हैं। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से कॉलेज हैं, कॉलेज लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और कुल कितने सीटें हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कितने कॉलेज हैं, कितनी सीटें हैं, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले स्टडी 24 को, और कॉलेज लिस्ट देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो को बिना भगाए देखें, क्योंकि आप लोग भगा कर देखते हैं, आप लोगों को जानकारी अधूरी ही रह जाती है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में आपने क्या क्या देखा था। पिछले वीडियो में आपने देखा था आवेदन शुल्क एवं कोर्स फीस क्या है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, परीक्षा सेंटर कहाँ होगा, ये सारी जानकारियाँ मैंने पिछले वीडियो में दी थी इस वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और जो इस वीडियो को जो अभी देख रहे हैं, करंट वाली वीडियो, ये जो वीडियो है इसमें इसके लास्ट अंत तक अगर आप देखेंगे तो वो पिछला वीडियो आपको दिखाई देगा आपके स्क्रीन पर, तो क्लिक करके वहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कौन कौन से कॉलेज हैं और कुल कितनी सीटें हैं, इसके बारे में बातें कर लेते हैं। इस लिस्ट को देखने से पहले हम यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों, वीडियो को आप लोग भगा कर देखते हैं और आपकी जानकारी अधूरी रह जाती है, इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो को पूरा देखें शुरू से और बिना भगाए देखें, क्योंकि अभी जो मैंने कुछ कैंडिडेट को देखा है कि अभी अभी कैंडिडेट जो है वो वीडियो को स्किप कर करके देख रहे थे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को जैसे मन है वैसे देखिए, लेकिन पूरा देखिएगा तो आपको ही फायदा होगा। देख सकते हैं NCTE का ये सीरियल नंबर, ठीक है, NCTE के वेबसाइट पर भी ये सब का सारा कॉलेज दिया गया है, जिसे आप NCTE के वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। देख सकते हैं पहले में कौन है, वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज नॉर्थ गांधी मैदान पटना बिहार, और ये कौन से यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, ये पटना यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ठीक है, और टोटल सीटें कितनी है देख सकते हैं आप, 100 सीटें हैं। इसी प्रकार से ये जो देख रहे हैं आप लिस्ट, ये टोटल 25 पेजों का लिस्ट है। ठीक है, 25 पेज का ये लिस्ट है, ये टोटल 25 पेज का लिस्ट है, जिसमें मैंने जब टोटल संख्या जब जोड़ी है सीटों की संख्या, ये देखिए 100 है, 50 है, 50 है, 100 है, कहीं कहीं 150 है, कहीं 250 भी है, कहीं 200 भी है। तो जब मैंने टोटल को जोड़ा है तो यहाँ टोटल सीटें जो हो जाती है, देखिएगा 62,000 सीटें हो जाती है, 62,000 टोटल सीटें दिखा रही है इस लिस्ट के अनुसार, जो NCTE के वेबसाइट पे भी है और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी डाला हुआ है। आप लोगों को पता ही होगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रही है बीएड की, इससे पहले नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ही एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती थी, तो उसके वेबसाइट पे भी ये सीटों की संख्या और कॉलेज लिस्ट वगैरह दिया गया है। ठीक है, तो नालंदा के वेबसाइट पे भी ये 62,000 के लगभग सीटें दिखा रही थी, और मैंने जब इस लिस्ट में जोड़ा है तो भी 62,000 ही सीटें दिखाई गई है। ठीक है, अब बात करते हैं, मैं आपको मिथिला का जो वेबसाइट है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का वेबसाइट, मैं उस पर ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि वहां पे कौन कौन सी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं बिहार बीएड कॉम्बाइंड कॉमन एंट्रेंस, ये देखिएगा बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेट बेट 2020, ठीक है, रेगुलर डिस्टेंस एंड शिक्षा शास्त्री के लिए ये यूनिवर्सिटी जानी जाती है। नोबेल यूनिवर्सिटी है ये, और मैं बता दूं कि NAC द्वारा इसे सेकंड रैंक दिया गया है। बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है उसमें टॉप सेकंड में ये यूनिवर्सिटी का नाम आ चुका है। ठीक है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, इसलिए इसे सौंपा गया है इस कार्य को एंट्रेंस टेस्ट लेने के लिए। ये बातें मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी। और देखिएगा, अगर आपको बीएड का टोटल प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके बीएड का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, डेट वगैरह दी गई है, कितनी फीस लगेगी ये दी गई है, सिलेबस क्या है ये दिखाई गई है, जो कि सारी मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, वही सब सारा चीज़ इसमें दिया गया है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में। और आप देखेंगे जब नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट है, क्योंकि ये जो एंट्रेंस टेस्ट ले रही है तो सिर्फ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में तो ही एडमिशन नहीं होगा, ये आपका जितने भी बिहार में यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं,
बीएड के लिए, उसमें सारा में आपका एडमिशन होने वाला है, ठीक है। किसी में भी जिसमें आप चाहे उसमें आपको एडमिशन लेना होगा। जब आपका काउंसलिंग होने लगेगा तो आपको 10 कॉलेज चुनने को कहा जाएगा, चूज करने के लिए कहा जाएगा 10 कॉलेज, और 10 कॉलेज जो आप चुनेंगे उसी में आपका एडमिशन होगा, ठीक है। अब चलिए देखिएगा नीचे और चलते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे डेट वगैरह दिया गया है, कुछ कैंडिडेट पूछ ही रहे थे कि सर डेट फिर से बता दीजिए, ध्यान में नहीं रहा, तो मैं इस वीडियो में भी आपको डेट्स दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं आपको लिस्ट के बारे में कुछ बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। यहाँ देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन जो है, ऑनलाइन फॉर्म जो भरा जा रहा है वो 1 फरवरी से शुरू हो चुका है, और 2 मार्च तक ये फॉर्म भर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट के लिए 2 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं, और लास्ट डेट आपका एडिटिंग एप्लीकेशन होगा। अगर आपके एप्लीकेशन में किसी प्रकार की गड़बड़ हो गई है तो आप 4 मार्च से उसे सुधार सकते हैं, ठीक है। और आप जो लास्ट पेमेंट फीस है, आपका एप्लीकेशन फीस है, परीक्षा फीस है, वो 5 मार्च तक जमा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम के लिए 23 मार्च से लेकर 29 मार्च के बीच में आपको एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा, और उसी के दौरान आप डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ देखेंगे कि संभावित परीक्षा तिथि जो दी गई है, डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट टेंटेटिव डेट जो है, संभावित तिथि जो है वो 29/3/2020 को आपका एग्ज़ाम होने की संभावना जताई गई है, लेकिन ये डेट जो दोस्तों हो सकता है थोड़ा आगे बढ़ जाए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ देखेंगे एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस आपका 1000 रुपये है जनरल के लिए, अनरिजर्वेड कैटेगरी के लिए, और वहीं रिजर्वेड में देखिएगा EBC, BC, EWS और महिला अभ्यर्थी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। SC ST के लिए देखेंगे 500 रुपये फ़ीस है, और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर सकते हैं। तो यही सब, ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है, और यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है अप्लाई करने के लिए, अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे दिया गया है, और प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पे दिया गया है। तो दोनों काम आप कर सकते हैं, और प्रोस्पेक्टस का लिंक तो मैंने पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया था, चलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा ऑनलाइन करने का लिंक और प्रोस्पेक्टस का लिंक, दोनों का मैंने लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर इसी वेबसाइट का लिंक दे दूँगा जहाँ से आप डायरेक्टली ये सारा कुछ देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं फिर से आपको वही लिस्ट पर ले चलता हूँ, कॉलेज लिस्ट, और उसमें जो कुछ बातें छूट गई हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा था इस वीडियो में कि टोटल कॉलेजेस जो हैं, टोटल कॉलेज जो हैं वो तो आपका 350 है, ठीक है। 350 कॉलेज अभी बिहार में है जो बीएड करवाती है। कहीं पे आपका 100 सीट है, कहीं पे आपका 150 सीट है, मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं पे 50 सीट भी है, और कहीं पे 250 सीट भी है। तो चलिए मैं 100 तो देख लिया आपने, 50 भी देख लिया, अब मैं आपको 150 और 200 और 250 सीटें भी दिखाता हूँ कौन कौन से कॉलेज में हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉलेज में आप देख सकते हैं 150 सीटें हैं, एफिलेटेड है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी जो आरा में है, उससे एफिलेटेड है ये, 150 सीटें हैं। कौन से कॉलेज है देख सकते हैं, दीक्षण सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, प्लॉट नंबर दिया गया है, और उसके बाद स्ट्रीट नंबर दिया गया है, विलेज खुलियारा, खुलेरिया पोस्ट, खुलेरिया तहसील, कोइलवर टाउन सिटी, आरा डिस्ट्रिक्ट भोजपुर बिहार। तो इसी प्रकार से आप अपना भी डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे मैं आपको शुरू में दिखाता हूँ, ये टोटल 25 पेजों का है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए इस कॉलेज में 250 सीटें दी गई हैं, मिलत टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मधुबनी में, ये आपका 250 सीटें हैं। यहाँ पे भी देखिए 250 सीटें हैं, ये कहाँ है, ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से, और ये भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, ठीक है, मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बीना चौक लखीसराय DMCH कैंपस दरभंगा बिहार। तो इसी प्रकार से सभी कॉलेज का लिस्ट दिया गया है, 150, कहीं पे 200, कहीं पे 250 सीटें दी गई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसको डाउनलोड करके, मैंने आपको क्या क्या बताया है, टोटल 350 कॉलेजेस हैं। सबसे पहले इस लिस्ट में मैंने आपको बताया 350 कॉलेज हैं, और सेकंड में आपको बताया है कि टोटल 62,000
62,000 जो है ये आपकी सीटों की संख्या है, कुल सीटों की संख्या 62,000 है, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत कम होगा, आराम से एडमिशन हो जाएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि बढ़िया से बढ़िया नंबर लाएँ ताकि सरकारी कॉलेज में जाए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में जाइएगा तो फीस जो है कोर्स फीस आपका बढ़ जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस में कोर्स फीस आपका 1.5 लाख के ऊपर ही रहने वाला है, और अगर सरकारी कॉलेज में जाते हैं, सरकारी कॉलेज अगर आपको अलॉट किया जाता है तो वो 1.5 लाख से कम ही रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये देखिएगा, फाइनल लिस्ट ऑफ बीएड कॉलेजेस फॉर कम्बाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2019। तो ये लिस्ट जो मैंने आपको दिखाया ये 2019 का है, 2020 का अभी नहीं आया है, जिसमें और भी कॉलेज 2020 का जब कॉलेज लिस्ट आएगा तो उसमें और भी कॉलेज जो हैं वो जुड़ने वाले हैं, ठीक है। करीब 18 कॉलेज जो हैं और प्लस किए जाएंगे, तो सीटों की संख्या आपका हो जाएगा लगभग 65,000 के आसपास। जब नया लिस्ट आएगा तो 65,000 के आसपास आपका कॉलेजेस होने की संभावना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल 62,000 है, अभी नया लिस्ट नहीं आया है, तो नया लिस्ट अगर आएगा 2020 वाला तो इसमें आपका 65,000 के लगभग सीटें होने वाली हैं। तो सारा कुछ इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है, कॉलेज कौन कौन से हैं, टोटल कॉलेज कितने हैं, टोटल सीटें कितनी हैं, सारी बातें क्लियर हो चुकी है। अगर फिर भी आपको कुछ छूट गया है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो इसे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।